हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए सबसे बड़ी एक छोटी सी चीज आपने पूरा देखा था, बड़ा और छोटा सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के कट करते हैं, एक कट जो होता है इसका स्टिकी होता है और एक ब्लंट होता है। स्टिकी होता है और एक ब्लंट होता है, स्टिकी कट एंड द ब्लंट कट। स्टिकी कट को स्टैगर्ड भी बोलते हैं या ओवरहैंग बोलते हैं, इसको स्टैगर्ड भी बोलते हैं या इसको ओवरहैंग कट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कई नाम से जानते हैं, ओवरहैंग, स्टैगर्ड या इस तरीके से। स्टिकी कट का मतलब देखिएगा कि किसी भी डीएनए को किस तरीके से कट करते हैं। मान लीजिए एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए है। जब ये डीएनए पार्ट को इसको दो तरीके से कैसे कट किया जा सकता है कि ब्लंट कट कुछ इस तरीके से होगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में मान लीजिए यहाँ पे ये कट हुआ, दोनों स्ट्रैंड पे सेम साइड पे कट हो रहा है। देख रहे हैं, दोनों स्टैंड पे सेम साइड पे कट होगा तो आपको ये सेगमेंट मिलने वाला है। ये जो सेगमेंट होगा, मैं कहूं ये सेगमेंट मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों एंड से 5' to 3' इक्वल पोजीशन पे होंगे, इक्वल पोजीशन पे होंगे, ब्लंट होगा, ठीक है, ब्लंट होगा। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यस, यहाँ पे जो सिमेट्री मिलेगी आपको, ये सिमेट्री मिलेगा, कोई भी ओवरहैंग नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट द ब्लंट है, सिमेट्री मिली आपको, ठीक है। नाउ अब देखिएगा कि एक हो सकता है कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप कट करते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कट होता है, वो एक स्टैंड पे यहां कट करे और दूसरे पे यहां पे कट करे, ठीक है। ये दोनों स्टैंड आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि दोनों स्टैंड जो है इस तरीके से कट करेगा कि एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है। जब इस तरीके से कट करेगा, ठीक है, इसको जरा सा ये ना आप देखिएगा कि जब इस तरीके से कट करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ इस तरीके का फ्रैगमेंट मिलेगा। इसके बाद दो तरीके के फ्रैगमेंट मिलेंगे। अगर मैं इसको 5' लेके चलता हूं, इसको 3' लेके चलता हूं, और ये 3' है, ये 5' है, तो ये कट मिलने वाला आपको एक ये मिलेगा और ये इतना सेगमेंट, दैट इज व्हाट 5' to 3', एक कट यहां से कट जाएगा और एक यहां से कटेगा, ठीक है, ये दोनों कट जो है। उसके बाद एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा, दूसरा फ्रेगमेंट जो मिलेगा वो आपका ये मिलने वाला है, 3' और दिस वन 5' मिलेगा। ये दोनों फ्रेगमेंट आप यहां पे देख रहे होगे कि 5' एंड जो है वो ओवरहैंग कर रहा है। यहां पे देखेंगे 5' एंड जो है वो ओवरहैंग कर रहा है। इसी तरीके से 3' एंड पे भी आपका ओवरहैंग कर सकता है, ठीक है। सो दिस तरीके से आपका बनता है सिंपल सा ओवरहैंग के कंडीशन में। एक छोटा सा हिंट यहां पे बता देता हूं, छोटा सा ट्रिक की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जो साइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस एंड के क्लोजर होगा, जिस एंड के क्लोजर होगा उसी एंड ओवरहैंग होगा। अगर देखिए ये 5' के क्लोजर है, ये 5' के क्लोजर है, तो यहां पे मिलेगा 5 ओवरहैंग, समझ में आ रहा है, 5 ओवरहैंग मिलेगा। अगर ये 3' के क्लोजर होगा तो मिलेगा 3 ओवरहैंग, ठीक है। ये आप कट करके देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। जिस एंड के क्लोजर होगा वैसा ही ओवरहैंग मिलने वाला है, वैसा ही स्टिकी एंडेड मिलने वाला है। यहां तक समझ में आ रहा है, आपके दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। एक लीनियर डीएनए होता है और एक होता है सर्कुलर डीएनए। ये पता है लीनियर और सर्कुलर, लीनियर को इस फॉर्म में होता है, इसके पास 5', 3', 3', 5' होता है, और सर्कुलर डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करता हूं कि डाइजेशन जो होते हैं वो होते हैं पार्शियल डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन। पार्शियल का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो पार्शियल डाइजेशन में होते हैं। जबकि कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है ऑल साइट,
जितने भी साइड्स होते हैं ऑल साइड कट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस साथ में कट होंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है। लेट सी व्हाट इज द कंप्लीट वर्सेस पार्शियल डाइजेशन। एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहां पे कि ए है, बी है, सी है, ये तीन सेगमेंट है जिसके बीच में वन रिस्ट्रिक्शन साइट, सेकेंड रिस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है। अगर सारे दोनों साइट पे एक साथ कट होगा, अगर इन दोनों पे एक साथ कट होगा तो एक फ्रेगमेंट आपको ये मिलेगा, दूसरा फ्रेगमेंट आपको ये मिलेगा और तीसरा फ्रेगमेंट आपको ये मिलेगा, मिलेगा। सो तीन फ्रेगमेंट मिलेंगे ए बी सी। दिस इज व्हाट ऑल साइड कट साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं द कंप्लीट डाइजेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन लाइक व्हाट, जैसे कि नो कट विल बी देयर, हो सकता है कि इस पे कोई भी कट ना हो, सारा का सारा होल सेगमेंट ए बी सी डी आ जाए। हो सकता है कि एक इस पे कट हो जाए, जब इस पे कट होगा तो ये सेगमेंट अलग होगा और ये तीन सेगमेंट एक साथ, फर्स्ट पे ये देखिएगा ए और बी सी डी एक साथ आ गया। अगर हो सकता है कि इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये दूसरे पे कट कर दे, जब दूसरे पे कट करेगा तो ए बी एक साथ आएगा और सी डी एक साथ आएगा। नाउ अगर तीसरे पे कट करे तो तीसरे पे कट करेगा तो देखिए ए बी सी एक साथ आएगा और डी एक साथ आएगा। तो इस तरीके से कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जैसे वन टू थ्री अलग अलग, वन और टू पे एक साथ, टू एंड थ्री पे एक साथ, थ्री एंड फोर, थ्री एंड वन पे एक साथ, वन टू थ्री तीनों पे एक साथ, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द पार्शियल डाइजेशन। समझ में आया व्हाट इज द कंप्लीट एंड व्हाट इज द पार्शियल डाइजेशन? नाउ टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द लीनियर डीएनए। ये कंप्लीट और पार्शियल डाइजेशन हम लीनियर डीएनए और आपके सर्कुलर डीएनए दोनों के लिए लेके चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फ्रेगमेंट चलता है। सी द वन डायग्राम हियर, आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर डीएनए, ये लीनियर डीएनए दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, इसमें एक 4 केबी का सेगमेंट है, वन इज 4 केबी सेगमेंट, वन इज 3 केबी, वन इज 2 केबी, वन इज 1 केबी। यहां पे देखिएगा कि वन ए बी सी आर द थ्री रिस्ट्रिक्शन साइट। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर देयर, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर देयर? अगर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करेंगे तो दैट इज 3। एंड कंप्लीट डाइजेशन में क्या तीनों रिस्ट्रिक्शन साइट एक साथ कट होंगे? क्या कंप्लीट डाइजेशन में तीनों रिस्ट्रिक्शन साइट एक साथ कट होंगे? तो जब कट होगा तो आपको कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे? एक 4 केबी का, एक 3 केबी का, एक 2 केबी का, एक 1 केबी का। हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स इज देयर? 4। 4 फ्रैगमेंट यू विल गेट। आपको जो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो 4 फ्रैगमेंट मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि जब आप कट करोगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को तो आपको एक 4 केबी का फ्रैगमेंट मिलेगा, एक 3 केबी का मिलेगा, एक 2 केबी का मिलेगा, एक 1 केबी का मिलेगा। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इज 3, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज 4। सो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हम यूज करें तो ये यूज होता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू एन प्लस 1 इन द केस ऑफ लीनियर डीएनए वेयर एन इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। इज इट क्लियर? दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द लीनियर डीएनए। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन है जो कि लीनियर डीएनए का। नाउ लेट सी द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए। यहां पे आप देख रहे होंगे, जरा सा इस सर्कुलर डीएनए को देख के बताइए कि सर्कुलर डीएनए में, सर्कुलर डीएनए की जो टोटल साइज है वो 10 केबी है, सर्कुलर डीएनए में कितने साइट्स दिख रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स, एक रिस्ट्रिक्शन साइट, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट एंड तीसरा रिस्ट्रिक्शन साइट, तीन रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अगर इनको डाइजेस्ट करोगे, एक बार यहां से डाइजेस्ट होगा, एक बार यहां से होगा और एक बार यहां से होगा। जब डाइजेस्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का फ्रैगमेंट मिलेगा, एक आपको 3 के बी, एक 4 के बी और एक 3 के बी। क्या यही फ्रैगमेंट मिलेंगे? टोटल 3 फ्रैगमेंट, टोटल 3 फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं आपको। दैट इज व्हाट द 3 फ्रैगमेंट। यहां पे जो फ्रैगमेंट मिलेगा, एक 4 केबी,
थ्री के पी एंड थ्री के पी, तो ये आपको मिलेगा. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इज थ्री, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज थ्री, सो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट यू कैन कैलकुलेट इज द एन. ये हो जाएगा एन. यानी कि लीनियर डाइजेशन में, लीनियर डाइजेशन आपने किया था, लीनियर डीएनए में तो एन प्लस वन आ रहा था, और सर्कुलर डाइजेशन में ये एन आ रहा था, वेयर एन इज द रिस्ट्रिक्शन साइट. यहां तक क्लियर है जी? डाइजेशन लीनियर कंप्लीट डाइजेशन एंड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए. होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा. ठीक है. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ. सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.